नमस्कार, मैं राहुल पारचा भारतीय। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ पर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें जितने भी लोग जीते हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, और प्लस उन्हें ये कहना है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरी निगाह रखी हुई है, आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, नहीं तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी तो तैयार है ही, क्योंकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश में एक बड़ी क्रांति के तरह उभरती जा रही है। 22 राज्यों में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे पूरे देश में, और अभी चाहे चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, निकाय चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, सभी चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। आगे 2024 से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद सारे चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो है जो धर्म जाति के नाम पर भेदभाव होता है हमारे देश में उसे खत्म करना। जो भी लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर किसी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, अपने नाम के साथ भारतीय लगाऊंगा और जो हमारे देश का संविधान है उसका सम्मान करूंगा। उसके साथ साथ हम लोग कुछ रिफॉर्म भी चाहते हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में बदलाव चाहते हैं। राजनीति में क्या बदलाव चाहते हैं मैं उसके बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला हम रिफॉर्म चाहते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, जो पॉलिटिशियंस मल्टीपल पेंशन लेते हैं, जिनकी कमाई का कोई अंत ही नहीं है, उसे हम लोग बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद अपने लिए कानून ऐसे बनाना चाहते हैं जिससे दूसरों के लिए, भलाई के लिए काम कर सके। जो पैसा हम पॉलिटिशियंस कमा जाते हैं, जो पैसा देश के लिए यूज होना चाहिए वो सही काम में लगे। जो मल्टीपल पेंशन सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। मल्टीपल पेंशन सिस्टम होता क्या है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई काउंसलर बनता है तो उसे सैलरी मिलती है काउंसलर की, उसके बाद वो विधायक बन जाता है तो उसे पेंशन मिलती है काउंसलर की, विधायक की सैलरी मिलती है। वो सांसद बन जाता है तो विधायक और काउंसलर की पेंशन मिलती है और सांसद की सैलरी मिलती है। अगर वो 10 बार सांसद बन गया तो उसके तो 10 बार में से 9 बार की तो पेंशन मिलेगी, 9 बार पेंशन, 1 बार सैलरी, प्लस 2 बार की पहले विधायक की और काउंसलर की सैलरी, वो पेंशन जो आती है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये तो देश को लूटा जा रहा है, देश का पैसा। वैसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज नेताओं को मिलती हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए या फिर ये मल्टीपल पेंशन सिस्टम बंद करना चाहिए। और एक बदलाव हम लोग चाहते हैं, राजनेताओं की जो एज होती है वो एक तय होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे भी या किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है 60 साल की उम्र में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 65 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, ये कहकर कि वो अब सही फैसले नहीं ले पाएंगे। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र में कैसे सही फैसले ले सकते हैं? ये बदलाव हम लोग चाहते हैं, उनकी एक एज तय होनी चाहिए, चाहे वो 70 साल हो लेकिन होनी चाहिए। और हम जो बदलाव चाहते हैं महिलाओं के लिए चाहते हैं, महिलाओं के जो भागीदारी है पॉपुलेशन की इस देश में देखी जाए तो लगभग 50% है, तो महिलाओं को उनके अधिकार भी मिलने चाहिए, उतने ही राजनीति में भी उन्हें अधिकार मिलने चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के, आगे बढ़ने के। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी 50% सीटें के लिए तैयार है महिलाओं को देने के लिए, कि वो आगे आए देश में और इलेक्शन लड़ें अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से।